Hello, how are you all? I believe you all are good in such a critical condition of the world, that is COVID-19 or coronavirus. In this video, we shall learn the third part of economics, that is chapter number one, developments. इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को दो वीडियो बना चुका हूँ. ये थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज. पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, यानी कि गवर्नमेंट ने पर कैपिटा इनकम और इनकम के अलावा और बहुत कुछ चीज गवर्नमेंट्स को फॉलो अप करना पड़ेगा. यानी कि सिर्फ मनी होने से जो हम लोग डेवलप हो जाएंगे वो नहीं बोल सकते. इसी के चलते एक फेमस थॉट भी दिया हुआ है और उससे भी क्वेश्चन आता है, क्या है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव. यानी कि सिर्फ आपके पॉकेट में, आपके जेब में पैसा रहने से आप अच्छा डेवलप कर जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, आपको और भी कुछ लाना पड़ेगा. और ऐसा कौन सा है, जैसे कि लिखा हूँ सबसे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके पास नंबर वन में मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. मनी जो है आपको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कभी नहीं दे सकता. सिर्फ पैसा रहने से हो सकता है, बल्कि गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा. और सेकेंड थिंग, मनी जो है आप लोग आपको अनरिलेटेड मेडिसिन भी दे सकता है. यानी कि जो सही, जो डुप्लीकेसी ना हो, बिना डुप्लीकेसी वाला मेडिसिन ऐसे पा जाएंगे उसका कोई गारंटी है, तो ऐसे नहीं है. तो सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं है. सेकंड पॉइंट क्या है, मनी होने से आप जो है मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंटेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. यानी कि कोरोना वायरस उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है. यानी कि इन्फेक्टिशियस डिजीज जो आपको आ रहा है कोरोना वायरस के चलते, क्या लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा रहने के बावजूद भी लोगों का डेथ हो रहा है और संभाल नहीं पा रहे हैं. अमेरिका जैसा देश आज कितना क्रिटिकल कंडीशन में है आप लोग जान सकते हैं. इटली जैसा देश जो सबसे अमीर कंट्री के अंदर में भी वो लोग कैलकुलेट होते हैं, पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन क्या पैसा होने से डिजीज को भी आप बचा के रख सकते हैं. जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे, घर में नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्या मनी ही आपको सब कुछ दिला सकता है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं. यानी कि मनी के अलावा भी और कुछ है जो आपका डेवलपमेंट में कैलकुलेशन होता है, जैसे कि आप पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट, सेकेंड थिंग आप लोग को गुड एजुकेशन सिस्टम और आप लोग का जो गुड हेल्थ कंडीशन, ये सब दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकता है. यानी कि वो सभी को भी देखकर आप लोग को डेवलपमेंट रेशियो को कैलकुलेशन किया जा सकता है. और भी कुछ पॉइंट लिखा हूँ, आप लोग उसको ब्रैकेट में रखा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और मैं मुंह में भी कुछ बोलूँगा विदाउट. जैसे कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्या सभी को एजुकेशन फैसिलिटी मिल सकता है, वो भी नहीं मिल सकता है. और उसी तरह सिर्फ पैसा होने से आपको रेस्पेक्ट भी मिल सकता है क्या, वो भी नहीं मिल सकता. मनी कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सिस्टम ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी मनी सिर्फ होने से कुछ नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट रूल अगर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम में फंसेंगे. जैसे कि मान के चलिए कोई प्रत्येक प्राइवेट हो या कुछ भी हो, उन लोग क्या चाहते हैं, प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन, बिना प्रॉफिट में कुछ नहीं करने वाले हैं. तो इसी तरह अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने हमसे एक धान पर क्विंटल 2200 रुपया, कहीं 2500, कहीं 1700, कहीं 1800 ले रहे हैं, लेकिन हमें चावल तो 1 रुपया में दे रहे हैं. हालांकि उसके लिए सर्टेन प्रोविनेंस है, कुछ कुछ रूल्स को वो है, देखना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रहा है ना, तो गवर्नमेंट के बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता है. इधर से हमें पता चलता है और भी एक चीज़, अगर आपके पास सिर्फ पैसा है, बॉडी फिटनेस वगैरह भी उसकी कंट्री का ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम में है, तो वो देश उतना डेवलप भी नहीं है. तो उसके लिए वर्ल्ड स्तर में क्या होता है, BMI निकाला जाता है. BMI बोले तो बॉडी मास इंडेक्स. आप लोग बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स क्या है ना, आपका हाइट और वेट को लेकर एक बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है. जैसे कि वेट इन केजी डिवाइड हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स भी आ जाता है. और बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो देश डेवलपमेंट के अंदर भी उसको कैलकुलेशन किया जा सकता है, वो भी एक एस्पेक्ट है. समझ रहे कि नहीं, आप लोग कुछ बनाए हैं इसको ध्यान से देखिएगा. इसको जो क्या है, UNDP ने दिया है. आप लोग बोलेंगे UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम.
ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करते हैं ना, उसको HDI निकालते हैं। आप लोग बोलेंगे HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि कौन सा कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से कितना ग्रो किया है और कौन सी पोजीशन में, ये दिखा गया है। ये इसके माध्यम से आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है सबसे नंबर वन में है, उसका हर चीज में इंडिया से ज्यादा है। हालांकि श्रीलंका एक छोटा सा देश है, छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड की तरह है, लेकिन हर चीज में इंडिया से आगे है। यानी कि इनकम से देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से देखिए, लिटरेसी रेट से देखिए, और ह्यूमन इंडेक्स में वो 73 में था 2013-14 में, अभी 71 पोजीशन में आ गया। जब इंडिया की अगर बात करेंगे, वो 2013-14 में 5,150 हुआ था उसका इनकम के बारे में, लेकिन अभी देखा जाए तो 9,027, यानी कि कुछ मात्रा में इंक्रीमेंट किया है। ये टेबल को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा देश है, कौन सा पोजीशन में है। लेकिन इंडिया के बारे में आपको हर चीज़ बता देता हूँ। इंडिया का लिटरेसी रेट भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 62.8% 13-14 में था, अभी जस्ट 2% बढ़ा है 64.7%। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे मैं श्रीलंका का बताया था 73, इंडिया उस समय 135 में था, अभी हालांकि 129 पोजीशन पर है। ध्यान में रखिएगा ये 2013 और 14 का रिपोर्ट है, जो मैं आप लोगों को सर्कल में लगाया हूँ या राइट हैंड साइड में लगाया हूँ, ये जो अंडरलाइन किया हूँ वो क्या है, आप लोग का लेटेस्ट है, ब्रैकेट के अंदर जितना पाएंगे वो लेटेस्ट है, ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।